अभी हमारी मौजूदगी फिर से समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में है। वही कल्याणपुर थाना क्षेत्र जहां एक बेटी की आबरू लूट ली जाती है, वही कल्याणपुर थाना क्षेत्र है जो एक बेटी के साथ एक महीना डेढ़ महीना तक शारीरिक संबंध बनाया जाता है। मैं उसी जगह पे मौजूद हूं जो वह बेटी के पिताजी ये बैठे हुए हैं। इधर आइएगा, ये बेटी की मम्मी आप देख सकते हैं, ये उसी बेटी की मम्मी है जिसने जो एक लड़की को जबरन कुछ दबंगों द्वारा उठा लिया जाता है, उठा करके ले जा करके जगह कई तरह जगह बदल बदल करके उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाया जाता है और के बाद इनकी लड़की को घर ला करके छोड़ा गया। उसके बाद छोड़ने के बाद वह लड़की का जब बयान लिया गया, जब वह लड़की मीडिया में आई, मीडिया में आने के बाद उस लड़की को फिर से कुछ दबंगों द्वारा लेके उठा लिया गया। अब वो क्या हुआ नहीं हुआ उनके पिताजी से बात करते हैं, क्या हुआ था आपके साथ जी? हम 10 बजे आपकी लड़की तो आपके घर आ गई थी जी, फिर आपने सोशल मीडिया का सहारा लिया जी। सहारा लेने के बाद फिर क्या हो गया? फिर माने खाना बना में गेलै, ओके बाद जे ऐसे 3 गो लड़का आलै बंदूक द्वारा, ओके बाद घर के पीछे 3 जंगल है, बंदूक लेकर के आपके घर पे फिर गया जी। हाँ, घर के पीछे जंगल है, उसके बाद दमंग धल कही ना, उसके बाद रोड पर गाड़ी लागल है, उसके बाद बैठा कर इस बंदूक द्वारा लग चले। तो आपने हल्ले शोर नहीं मचाया? शोर कर लिए, पूरा खोज लिए, तखनी पूरा खोज लिए, तब तो फदार रहे, उसके बाद जो है पूरा भिनसर तक के खोज लिए लेकिन कहीं पता नहीं चले। अच्छा, फिर आप थाना पे गए? थाना पर आई गेल रही है, तब कहल कि जे तुम जाओ, तुम जाओ जे कुछ नहीं आपको होगा, बड़ा माने रखिए माने क्या हुआ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप जो रहतीन थाना प्रभारी वहीठन रहतीन, कल के तुम जाओ कुछ नहीं होगा। हम कहलिन कि जे अगर बचिया हमार चल गए हैं तो बचिया के लेल हमरा कुछ माने इन्फॉर्मेशन तो चाहिए थाना के, जे कल्याणपुर थाना, कल्याणपुर थाना तो कोनो प्रूफ चाहिए जे बाद में कुछ भी होए, चाहे हम जेल जाए कि हमरे फंसबे है लोग, वही लेल हमरा गेलिए रहा लेकिन कल के आपको कुछ नहीं हुआ तो आप चले जाइए। फिर आप घर आ गए? घर आ गए, घर आ गए, घर आ गए। दोस्तों, ये इनके साथ बहुत दुख भरी घटना हुई है। जो इस तरह की घटना है, जो ये थाना पे जाते हैं, थाना पर से भेज दिया जाता है कि जाओ है ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा, आपकी लड़की आप जानिए। हाँ, हाँ, ये बोला जाता है और इनके भेज दिया जाता है। जो इनकी लड़की दो महीना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता है, जो उसके बाद फिर वो लड़की को पुलिस द्वारा रिकवरी किया जाता है, लड़की को फिर आपको उसके घर ला लेके दे दिया जाता है। और लड़की अपने घर रह रही थी, जो आपने एक वीडियो भी देखा होगा, जो लड़की अपने घर रह रही थी, रहने के बाद फिर दबंगों द्वारा जा जाता थी, उसी वही लड़का गया था क्या? वही लड़का जाता, फिर से लड़की को उठा लिया जाता है और पुलिस शासन प्रशासन के लोग ये जाते हैं बोलने के लिए, तो शासन प्रशासन के लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा, जाइए घर, आपकी लड़की आप समझे। और क्या हुआ उसके बाद? हम थाना पर गेलिए तो हमरा कहल कि आपको कुछ नहीं होगा, जाइए घर। तो हम कहलिए रात में लोग चलिए गए, तो हमें कुछ प्रूफ चाहिए कल्याणपुर थाना जी, कल्याणपुर थाना में तो कुछ प्रूफ चाहिए जे हम माने आपको माने हम दिल्ली अब माने आवेदन लिखते रहे वह ना, लेकिन कल के नहीं आप घर जाइए, कुछ नहीं होगा, आप जाइए घर पर रहिए, कुछ नहीं होगा। अब क्या करिएगा? अब तो फिर आपकी लड़की को उठा करके ले जाएगा। अब हम एसपी साहब से कह छियनि, निवेदन है जे एसपी साहब अब जे निर्णय करथिन हमारा की करथिन नहीं करथिन, एसपी साहब करथिन जो हो। अब एसपी साहब को पे छोड़ दिए थाना से, अब थक गए, थक गए लिए, अब थाना तैयार नहीं ले लेलक माने केस जहिया अढ़ाई महीना पहले भले माने। अच्छा, पौने केस जो आप किए हुए हैं, क्या वहाँ से लड़के को के घर पे किसी तरीके की नोटिस आए? ना, कहियो नोटिस नहीं। अब बताइए, यहाँ पे इतना बड़ा मैटर होता है जो थाना लड़की को इनके हवाले कर देता है और घर पे भी लाके छोड़ देता, मगर उस लड़के को, जो लड़का इनकी लड़की को उठा कर करके एक महीना उसके साथ डेढ़ महीना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, मगर वह लड़के के साथ शासन प्रशासन के लोग किसी तरीके की कार्रवाई नहीं करते हैं, किसी तरीके का यानी उसके घर पे किसी तरीके का नोटिस भी नहीं देते हैं, या लड़का को कस्टडी नहीं करते हैं। वह लड़का खुलेआम घूम रहा है, वह बजाबते फिर से इनके घर पर गया, वह लड़का उस लड़की को उठा करके ले करके फिरार हो गया। अब फिरार हो गया, क्या एसपी साहब से क्या गुहार लगा रहे हैं? पूरा देश आपको देख रहा है इस वक्त। हमार निवेदन है एसपी साहब, अब क्लियर करते थी, अब जे हमारा फैसला देते हैं एसपीए साहब।
हमरा वो है। अब उनका मैंने परसू लेलिए बेटी के, उसके बाद दबंग द्वारा हमरा बेटी के लो गए फिर रात में 10 बजे रात में। अच्छा, आपका जो केस हुआ, जो आपको सीजीएम के यहाँ से केस किया, सीजीएम कोर्ट से क्या ये केस का क्या हाल है? केस ये कोर्ट के जरिए उसको नोटिस आई क्या? नोटिस मैंने वहाँ घर पर नहीं गए, नोटिस आए थाना। आप पर वकील साहब से बात किए थे? हाँ जी। वकील साहब क्या बोल रहे हैं इस मैटर में? बोले कि फिर से हमारी लड़की को उठा लिया गया। हम मैंने उनका फोन कर लिया वकील साहब के, तो कल कहने ठीक है बाद में बतियाई छी। हमारे वकीलो साहब बढ़िया आदमी हथिन, जो हर चीज कल खिना नोटिस पर नोटिस थाना पर जाए रहे तो हमार सुनवाई भेल जी। हाँ, हमर माने वकील साहब बनिया हथिन जे नोटिस पर नोटिस भेजलखिन तब लेलखिन थाना केस। जो लेकर के भागा आया वही लड़का था क्या? छोटू कुमार। छोटू कुमार, उसके पिताजी का नाम? स्वर्गीय राजेश्वर राय। उसका घर कहाँ है? बिरसिंहपुर। बिरसिंहपुर घर है जी। और कितना नंबर वार्ड में है? 9 नंबर वार्ड में। 9 नंबर वार्ड में। 9 नंबर वार्ड में।